रिटायरमेंट के बाद में सीनियर सिटीजन के टॉप प्रायोरिटी में होता है कि उनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिला है उस पैसे पे कम से कम रिस्क पे अधिक से अधिक कैसे रिटर्न पाया जा सके। रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ वही पैसा है जो कि रिटायरमेंट के बाद में मिला है, तो उस पैसे को सही से निवेश करना ही एक टॉप प्रायोरिटी होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ये बोले कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो और बहुत रिटर्न मिल जाएगा, तो भी कोई ऐसा नहीं करेगा। अभी 2020 में जहां पे स्टॉक मार्केट ऐसी स्थिति में है जहां पे अभी निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो भी स्टॉक मार्केट में निवेश प्रिफरेंस पे नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के टॉप 5 विकल्प, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूँगा। मैं बताऊँगा वो 5 साधन जिसमें निवेश करने पे सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये टॉप प्रायोरिटी भी होना चाहिए। तो जो भी रिटायर हो रहे हैं उनको सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को ही देखना है, उसके बाद में कोई दूसरे स्कीम में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आता है, और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट हो, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट हो, मंथली इनकम अकाउंट हो, NSC हो, PPF हो, सभी को मिला दो, लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो रिटर्न है वो सबसे अधिक है। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के पीरियड के लिए अभी इसमें ब्याज दर है 7.4%, तो इसमें 15 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। तो अगर 15 लाख से ऊपर है तो 15 लाख तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 5 साल के बाद में 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 8 साल के लिए इस स्कीम में पैसा जमा किया जा सकता है। इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, पर इसमें जो ब्याज का भुगतान होता है वो तिमाही होता है, तो हर 3 महीने में एक बार मिलेगा। तो ये तो बात हो गई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। दूसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो अच्छी बात यह है कि 20 मई 2020 को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, और LIC ने ये संशोधित 2020 स्कीम 26 मई 2020 से शुरू कर दी। मतलब इसको सिर्फ LIC से लिया जा सकता है। अब इसकी क्या खास बात है कि इसमें जो भी ब्याज दर शुरू में फिक्स होगा वो अगले 10 साल के लिए वही रहेगा। तो अभी 7.6% पर एनम ईयरली मोड ऑफ पेंशन पे है। अलग अलग मोड ऑफ पेंशन है इसमें, तो अब चाहे वो पेंशन को ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, तिमाही ले सकते हैं, या हर महीने भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको, अब चूंकि इसमें एकमुश्त पे करना होता है, तो अगर वार्षिक मोड ऑफ पेंशन अगर आप लेना चाहते हैं तो जो परचेस प्राइस होगा वो होगा 14,49,086 रुपए, उस पे जो ब्याज आएगा वो आएगा 1,11,000 रुपए। ये स्कीम क्यों अच्छी है? तो मेन कारण है कि 10 साल के लिए ब्याज फिक्स हो जाएगा। जिस हिसाब से अभी ब्याज के रेट में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि रेगुलर इनकम सीनियर सिटीजन के लिए बने रहे। अब जैसे हमने पिछले स्लाइड में ही देखा, तो पिछले स्लाइड में ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज दर 8.6% था 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक के पीरियड के लिए, लेकिन वहीं 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के पीरियड के लिए ये हो गया 7.4%, तो करीब 1.2% का कमी हो गया। और ये मायने रखता है, जब अमाउंट ज्यादा हो तो 1.2% मायने रखता है। इसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलता, बट अगेन ये अच्छी स्कीम है। तीसरा है नेशनल सेविंग मासिक इनकम अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम के नाम से ये स्कीम फेमस है। इसको पोस्ट ऑफिस से लिया जा सकता है। अब लेकिन इसमें लिमिट है कि इसमें 4.5 लाख रुपए तक ही जमा किया जा सकता है। तो अगर सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो 4.5 लाख रुपए, अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो 9 लाख रुपए, तो ये इतना मैक्सिमम है। अब अगर ब्याज दर की बात करें तो ये भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आता है, और इसमें ब्याज दर जो है वो है 6.6%, ये भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है।
तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक इसमें ब्याज 6.6% पर एनम है। हाँ, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो ब्याज है वो हर महीने मिलेगा। तो ये स्कीम इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें हर महीने ब्याज मिलेगा, तो कम से कम रेगुलर इनकम बना रहेगा, और ये मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे आना चाहिए। चौथे नंबर पे म्यूचुअल फंड स्कीम, उसमें भी डेट स्कीम। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे ही म्यूचुअल फंड बोले तो उसका मतलब सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश, नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम होती है, हर स्कीम के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को जमा करती है। तो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में म्यूचुअल फंड को बांटें तो इक्विटी और डेट फंड बोल सकते हैं। तो इक्विटी फंड वो है जिसमें टोटली स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश होगा, डेट फंड वो है जो बॉन्ड मार्केट में निवेश होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो हाई रेटिंग, हाई क्रेडिट रेटिंग वाले जो बॉन्ड है, वैसी स्कीम पे अगर पैसा जमा करते हैं तो उसमें कंपेयर टू FD एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट मेरे लिए ये सब भी तभी आएगा जब ऑलरेडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वय वंदना योजना में पैसे जमा हो चुके हैं, उसके बाद में फिर आप इसमें जमा कर सकते हैं। हाँ, अगर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा तो डेफिनेटली अभी के सिनेरियो में अगले 1 साल या 2 साल, अगले 1-2 साल के लिए तो पैसा निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में के इक्विटी फंड में, जो भी लार्ज कैप फंड है उसमें, या लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड है उसमें निवेश कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर 2 साल के बाद में फिर उससे विड्रॉ करके आप सीधा FD में डाल सकते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट। तो समय समय पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या और भी दूसरे बॉन्ड लेकर आती है, RBI बॉन्ड आता है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या दूसरे बॉन्ड को भी खरीद सकते हैं। और दूसरा, कई बैंक स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है, और उसमें होता यह है कि उसमें जो नॉर्मल लोगों को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को मिलता है। ऐसे ही मुझे अभी बीच में पता चला था SBI का, SBI ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसमें सीनियर सिटीजन को ब्याज दर करीब 0.8% नॉर्मल अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे, तो अगर आप पैसा अगर जमा भी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे सीनियर सिटीजन का टैग वाला कोई ऐसा स्कीम है क्या जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सके। और लिक्विडिटी के नाम पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो एक बार फिर, सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इसमें अधिकतम लिमिट 15 लाख रुपए तक का है, लेकिन ब्याज इसमें सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो ब्याज दर फिक्स होगा शुरू में वो अगले 10 साल के लिए रहेगा, और इसमें हर महीने पेंशन मिलेगा। तीसरा, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट। इसमें हर महीने ब्याज मिलेगा, और इसमें अधिकतम सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख जमा कर सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड स्कीम, उसमें भी स्पेसिफिक डेट फंड स्कीम जो कि हाई क्रेडिट रेटिंग वाले स्कीम हो वो लेना चाहिए, उसमें रिटर्न प्रॉपर रहेगा और अच्छा मिलेगा। और फिर आता है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक फिक्स डिपॉजिट है उसमें, या फिर जो सरकारी बॉन्ड आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह, उस पे आप देख के कि आपका पैसा सुरक्षित रहे वहाँ पे जमा कर सकते हैं, और कभी भी चीट फंड के लालच में ना पड़े। चीट फंड भले ही 11% 12% के ब्याज दर का ऑफर करे, लेकिन आपको उसमें नहीं पड़ना है, आपको आपका पैसा वहीं निवेश करना है जहाँ पे आपका पैसा पहला सुरक्षित रहे और उसके बाद में फिर उसमें अच्छा रिटर्न भी रहे। बट प्रियोरिटी पैसा सुरक्षित रहे उसकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएंगे, और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।